हम पूछते हैं कि हे प्रभु आप इतने महान हैं तो ये पता क्यों नहीं लगा रहे कि क्वेश्चन आउट कहां से हुआ। आरा में जो 200 लड़कों को बैठा के परीक्षा दिया जा रहा था उसमें से कितने लड़कों से आपने पूछताछ की? आर के महाजन अमरेंद्र कुमार अभी तक पद पर क्यों बना हुआ है? आर्थिक अपराध इकाई साइबर सेल अपना काम सही दिशा में कर रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उस पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि बड़ी मछली यानी घड़ियाल को पकड़ने में अभी तक एक कदम भी आगे लोग नहीं बढ़ा है। इसका घड़ियाल कौन है? सोलभर की औकात नहीं होती कि एक डेढ़ घंटा पहले क्वेश्चन आउट करा दे बीपीएससी का। तो मैं भी छात्रों के साथ वही आवाज उठाऊंगा कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। और मैं कानी मैदान से प्रगति मैदान पद यात्रा के लिए मैं तैयार हूँ, बच्चों को इकट्ठा कर रहा हूँ। पंचर वाला को उठा लिए बड़ी कामयाबी है, चार को चोर पकड़ा गया बड़ी कामयाबी। अरे बड़का कहाँ है, काहे नहीं पकड़ रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? अगर उस बात से डर रहे हैं बड़का पकड़ने से कि बड़ा है, तो याद रखिए युवा है, सनके हुए हैं, आपको वास्तव में डरा देंगे चुनाव में और नोटा दबा के गर्दा छोड़ा देंगे, क्योंकि सारा का सारा चोर आयोग के अंदर बैठा हुआ है। यह कहने मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है, जब चोर जो है उस पर आप ध्यान नहीं डाल रहे हैं। और बच्चा का थोड़ा सा गलती हो गया तो आप एडिट का मौका नहीं दे रहे हैं, यानी रंगबाजी पर रंगबाजी किए जा रहे हैं। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम सिंह। बीपीएससी पेपर लीक मामला, इसमें क्या हुआ, अभी तक कौन लोग पकड़े गए हैं? सुनने में आया है कि एनआईटी के जो स्टूडेंट है वो पकड़ा गया है, और भी क्या क्या लोचा हुआ है, क्या कौन लोग पकड़े गए हैं, कौन लोग संरक्षण में हैं अभी, इसके लिए लगातार लाइव बिहार आपके पास वीडियो ला रहा है और लगातार इस पर खबरें आपको अपडेट देते जा रहा है। सभी लोगों से हम लोग बात भी कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने राय भी इस पर रख रहे हैं, चाहे वो वकील हो जो केस रिट दायर किए हैं कोर्ट में वो हो, चाहे IPS अमिताभ दास हो। अब हम एक टीचर के पास आए हैं, सर भी बीपीएससी लीक मामला का शुरू दिन से ही खिलाफ जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं, और आज मैं फिर से रहमान सर के पास आई हूँ, और रहमान सर के पास कितनी इसकी जानकारी है वो आप सब तक साझा करेंगे। रहमान सर, मुझे ये बताइए कि बीपीएससी पेपर लीक मामला का अभी ऐसा कुछ भी उतना मतलब ये नहीं हुआ कि बड़े लोग अभी पकड़े ही नहीं हैं? देखो, वो स्पष्ट रूप से है कि बीपीएससी लीक के बाद वो 8 को परीक्षा हुआ था और आज 2 तारीख हो गया, 6 दिन बाद 1 महीना हो जाएगा, और माननीय DGP ने कहा था कि हम बहुत जल्दी इसको खुलासा कर देंगे। खुलासा किए, 4 को शुरू में पकड़ाया चोर जो सोलभर था, उसके बाद एक CO पकड़ाया, उसके बाद आपको BDO जो था उसको पकड़ाया गया, आप कोचिंग संचालक बोल रहे हैं, कोनो कोचिंग संचालक को भी आप नहीं पकड़े हैं। हम पूछते हैं कि हे प्रभु आप इतने महान हैं तो ये पता क्यों नहीं लगा रहे कि क्वेश्चन आउट कहाँ से हुआ? आरा में जो 200 लड़कों को बैठा के परीक्षा दिया जा रहा था उसमें से कितने लड़कों से आपने पूछताछ की? इसका सूत्रधार कौन है? उन 200 लड़कों को बैठाने वाला कौन था? आर के महाजन अमरेंद्र कुमार अभी तक पद पर क्यों बना हुआ है? तमीज से नाम लोग साथ नहीं ले सकते क्योंकि देशद्रोह है सभी सब। तमीज ये क्यों बैठा हुआ है? नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र नहीं दे रहा है, आप राज्यपाल से अनुशंसा लेकर उसको हटा नहीं रहे, और बड़ी कामयाबी सोलभर को पकड़ लिए, 4 को पकड़ा गया सब, अब बड़ी कामयाबी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। या बिल्कुल निश्चित रूप से आर्थिक अपराध इकाई साइबर सेल अपना काम सही दिशा में कर रहा है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उस पर दबाव पड़ रहा है क्योंकि बड़ी मछली यानी घड़ियाल को पकड़ने में अभी तक एक कदम भी आगे लोग नहीं बढ़ा है, और जब तक घड़ियाल नहीं पकड़ा जाएगा तब तक इस छोटी छोटी पुठिया मछली को पकड़ के आप बड़ी कामयाबी का ढिंडोरा पिटिएगा। ये गलत है। अभी तक कोई भी बड़ा ऐसा आदमी नहीं पकड़ाया है जिसके आधार पर इसका पूरा का पूरा रूपरेखा सामने आ जाए। जो 200 लड़का परीक्षा दे रहे थे, अलग से दे रहे थे परीक्षा, आप भी कहते हैं कि 1 घंटा 36 मिनट पहले आउट हुआ था, तो 200 लड़का में से कितने लड़कों को उठा के पूछताछ हुआ? एक भी नहीं। इसका घड़ियाल कौन है? सोलभर की औकात नहीं होती कि एक डेढ़ घंटा पहले क्वेश्चन आउट करा दे बीपीएससी का। उस सोलभर से पकड़ाएगा, उस बहुत अच्छा काम किए, लेकिन घड़ियाल पकड़िए। अभी तक आपके कार्रवाई से छात्र खुश नहीं है
और छात्र को लग रहा है कि मामले में लिपापोती हो रही है, अगर ऐसी बात रही तो मैं भी छात्रों के साथ वही आवाज उठाऊंगा कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, सीबीआई से होनी चाहिए। और मैं गांधी मैदान से प्रगति मैदान पद यात्रा के लिए तैयार हूं, बच्चों को इकट्ठा कर रहा हूं, बच्चों के दिमाग में भर रहा हूं, बच्चों को सांत्वना दें। कितना सांत्वना दें जी, कितना सांत्वना दें भाई। सोलभर को पकड़ लिए, बड़ी कामयाबी। पंचर वाला को उठा लिए, बड़ी कामयाबी। भाई चार को चोर पकड़ा गया, बड़ी कामयाबी। अरे बड़का कहाँ, काहे नहीं पकड़ रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? अगर उस बात से डर रहे हैं बड़का पकड़ने से कि बड़ा है, तो याद रखिए युवा हैं, सनके हुए हैं, आपको वास्तव में डरा देंगे चुनाव में और नोटा दबा के गर्दा छोड़ा देंगे, इतना तय है। इसलिए कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी, जातीय जनगणना आपके जो कराना कराइए, राज्यसभा में जिसको भेजना है भेजिए, लेकिन बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी और सिपाही भर्ती बोर्ड के आयोग के अध्यक्ष सचिव को राज्यपाल से अनुशंसा करा के हटाइए, उन पर जांच बिठाइए, क्योंकि सारा का सारा चोर आयोग के अंदर बैठा हुआ है। यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। जब चोर जो है उस पर आप ध्यान नहीं डाल रहे हैं, जो चोरी कहाँ कहाँ से धीरे चोर चोर किया है छोटा छोटा, उस पर ध्यान डाल रहे हैं, इसका मतलब कि अभी तक कार्रवाई का सही दिशा नहीं है। और इस पर कितनों ईमानदार हैं नैयर हसनैन खान, कितनों ईमानदार हैं सुशील कुमार, जब तक इनको पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक ये नहीं पकड़ पाएंगे। अगर ऐसी बात है तो ऐसी परिस्थिति में अब इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक एक भी बरारी कहो, एक भी घड़ियाल नहीं पकड़ा गया है, जिसके लिए निश्चित रूप से खुलेआम इस तरह से छोड़ा गया है कि ताकि वो जितने भी सबूत हैं उसे मिटा सकें। नहीं नहीं, सबूत मिटा देंगे तो बच्चों के दिमाग में जो जहर घुल गया है आयोग के प्रति, अगर इसी तरह का पुठिया को पकड़ के आप रहिएगा ना, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा सरकार को, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। सरकार एक्शन इसलिए नहीं ले रही है कि सरकार अभी जाती है जनगणना, राज्यसभा में किसको भेजना है किसको नहीं भेजना है उसमें शामिल है, और शिक्षा को एक्स्ट्रा विषय में शामिल कर दिया इसने कि भाड़ में जाए एजुकेशन, भाड़ में जाए गरीब। एजुकेशन को छोड़ के जाति ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रही है। तभी तो ये बात हो रही है। सरकार का एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घड़ियाल बाहर रहेगा तो हमेशा अपना जाल बिछाएगा, और घड़ियाल को पकड़ने के लिए सरकार कटिबद्ध नज़र नहीं आ रही है। नैयर हसनैन खान और सुशील कुमार भले कटिबद्ध नजर आए, लेकिन जब तक उनको पूरी छूट नहीं दी जाएगी तब तक ये नहीं पकड़े जाएंगे। बच्चे में असंतोष की भावना लगातार फैली हुई है, चाहे अब वो मामला तो आप बीपीएससी तो देख ही रहे हैं, अब ईडिट जो सचिवालय सहायक का जो आया था वैकेंसी उसमें ईडिट का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, अब उसमें भी उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, और आप भी कई बार इस बार मुद्दे उठाए थे, तो अब आप क्या कहिएगा? देखिए बीएसएससी को तो अगर मेरा बस चलन एक दिन का भी पावर मिले ना, तो बीएसएससी को एकदम सड़ा हुआ आयोग रगड़ रगड़ के साफ करके इसमें फिनाइल छिड़क दे। स्पष्ट है कि क्वेश्चन आउट कराइए आप, स्कॉलर बैठाइए आप, स्ट्रॉन्ग रूम तुड़वाइए आप, 8 साल से परीक्षा का आप क्लियर न मत कीजिए आप, और बच्चा का थोड़ा सा गलती हो गया तो आप एडिट का मौका नहीं दे रहे हैं, आप एडिट का मौका नहीं दे रहे हैं, यानी रंगबाजी पर रंगबाजी किए जा रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? बच्चे आज बच्चे बेचारे शांत हैं, अगर बच्चे मरना शुरू कर दिए, मारने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मरना शुरू कर दिए, और हम लोग जैसे आदमी जल समाधि लेना शुरू कर दिया, तो आप लोग की वजूद समाप्त हो जाएगी, बिहार की वजूद समाप्त हो जाएगी। बीएसएससी के अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय, एडिट का मौका दीजिए, आप दूध के धोवे नहीं हैं, आपके अंदर तमाम तरह की बुराइयां हैं, गलतियां हैं, आप गलती करें तो कोई बात नहीं, बच्चों से गलती हो गई तो उसको इतनी बड़ी सजा, ये बिल्कुल गलत है। बच्चों को एडिट का मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो आपने बोला मरना शुरू कर दें, तो मरना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि युवा में इतनी ताकत है कि वो सरकार को भी बदल सकती है, हर सिस्टम को चेंज कर सकती है। देखिए मैं तमाम युवाओं से ललकार रहा हूँ कि, और ये कह रहा हूँ कि अगर हम लोग वेट फॉर वाच की स्थिति में है कि अगर इस तरह की बात नहीं होती है, बच्चों के साथ इंसाफ नहीं मिलता है, तो हम लोग जल समाधि लेंगे। कम से कम गुरु रहमान 10,000 बच्चों के साथ जल समाधि लेगा। और रही बात युवाओं की शक्ति की, तो युवा जाति पार्टी से अलग हट जाए तो हम लोग सरकार भी बदलने में सक्षम है। एडिट ऑप्शन के लिए और भी कुछ क्या कुछ एडिट ऑप्शन के लिए जहाँ तक होगा आयोग से अपील कर रहे हैं कि वो एडिट का ऑप्शन दे दें,
और नहीं तो हम लोग जिसका दरवाजा खटखटाना हो खटखटाएंगे, अहिंसात्मक रूप से जो कुछ करना होगा वो करेंगे, लेकिन एडिट का ऑप्शन चाहिए। क्या आपने एप्लीकेशन वगैरह कुछ दिया है? सब कुछ दिया। आयोग आयोग अंधा हो गया है, बहिरा हो गया है, गुंगा हो गया है। डेट का हम लोग बोले थे डेट बढ़ाया, एडिट का क्यों नहीं बढ़ा रहा है? क्या हो रहा है एडिट में? कौन बड़ा बात है? 8 साल से परीक्षा नहीं ले रहे, आयोग को नहीं पता है? आयोग को सब पता है। एडिट का मौका दे, और नहीं तो कहे कि जब फाइनल नियुक्ति होगी काउंसलिंग के दिन आप अपना ओरिजिनल लेकर आइएगा, उस पर हम मानेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए जरूरी है। धन्यवाद आपका सर। तो आपने सुना कि अभी बीपीएससी लीक पेपर लीक मामला में जो बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जा रही है उसके लिए भी सरकार कोई एक्शन में नहीं ले रही है, और सचिवालय सहायक में एडिट का ऑप्शन, हालांकि यह 7-8 साल के बाद यह वैकेंसी आई, तो आयोग की भी गलती होती है, लेकिन इसमें अगर बच्चे से थोड़ी भी गलती अगर हो गई है तो एडिट का ऑप्शन भी मिलना चाहिए उनको। अब देखना यह होगा कि कब तक क्या एडिट का ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है, और आगे जाकर बच्चे का क्या रुख वो लोग अपनाने वाले हैं। फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।